अगर आपको याद, अगर आपको याद हो बच्चे, तो हम लोगों ने लेसन कर लिया था। ओके, हम लोगों ने लेसन कर लिया था बच्चे, लेसन किया था हमने सपनों के सिद्धांत संचयन का, है ना। तो आज मैं लेसन शुरू कर रही हूँ हमारा, जो ऑलरेडी हमने शुरू किया हुआ है, मनुष्यता। लेकिन बिफोर दैट आई हैव रिटन देयर लघु कथा लेखन, है ना। लघु कथा का मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको उस दिन भी दिया था, आज फिर मैं उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज भी देना चाहूंगी, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ आपके दिमाग में डालूंगी तो आपको लघु कथा के बारे में क्लैरिटी होगी। ओके, तो लघु कथा नाम से ही बिल्कुल क्लियर है बच्चे। लघु मीन्स छोटी, कथा मीन्स कहानी। छोटी सी कहानी को हम लघु कथा कहते हैं। अब ये लघु कथा बच्चे, प्लीज मेक इट क्लियर इन योर माइंड, कहानी, अनुच्छेद, पत्र, संवाद, विज्ञापन, टाइटल के बिना पूरे नहीं होते। जब तक हम जो लिखने वाले हैं ऊपर शीर्षक नहीं देंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मैं क्लास में मनुष्यता कविता करवा रही हूँ, लघु कथा लेखन करवा रही हूँ, आई हैव गिवन द टाइटल कि मुझे ये करवाना है। वैसे ही अगर आप टाइटल नहीं देंगे तो आपका कुछ भी पूरा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने उस दिन आपको कहानी बताई थी, एक विद्वान या एक ब्राह्मण जंगल में से गुजर रहा था, बस एक लाइन देके छोड़ दिया, आपको लघु कथा पूर्ण करनी है। अब बेटे, जब आपने लघु कथा पूर्ण करनी है, आपके दिमाग ने फ्रेम कर ली कहानी कि एक ब्राह्मण जंगल में से जा रहा था, उसने देखा, हम देखने में कहानी शुरू करने वाले हैं, और मेरे दिमाग में आ गया, उसने देखा एक डाकू था, उंगलियां काट लिया करता था, है ना। एक महात्मा उसे मिले, महात्मा ने उसे बताया कि तू उंगलियां किसके लिए काटता है, कहता मैं गिनने के लिए काटता हूँ कि मुझे सारा कुछ गिना, जितने मैंने लोग मारे हैं उतने मैं गिन सकूं, मुझे 1,000 लोगों मारने का मैंने प्रण किया हुआ है, 1,000 लोगों को मैंने लूटना है, मुझे याद नहीं रहेगा, इसलिए मैं उनकी उंगलियां काट लेता हूँ और अपने पास रख लेता हूँ। ठीक है, वो व्यक्ति दूर से देख रहा था। उसने साधु ने कहा कि तुम ये जो लूटपाट का काम है ये किसके लिए करते हो? उसने कहा मैं अपने परिवार को पालने के लिए ये लूटपाट का काम करता हूँ। तो साधु ने उसे कहा कि आपको अपने परिवार को यहाँ बुलाना होगा। उसके कहने पर उस डाकू ने एक अपने परिवार को वहां बुला लिया। उसके परिवार को वहां बुलाया गया। साधु ने उसके परिवार से पूछा कि क्या आप इसके चोरी की पाप में शामिल हैं? तो डाकू की पत्नी ने कहा नहीं, इनका फर्ज है हमें कमा कर खिलाना। अब ये कैसे भी कमा के लाएं, ये अपना फर्ज निभा रहे हैं, हम इनकी बुराई में सम्मिलित नहीं होंगे। तो साधु ने उस डाकू से पूछा कि तुम इतनी हत्याएं करते जा रहे हो, तुम इतना लूटपाट करते जा रहे हो, जबकि तुम्हारा सारा परिवार इस लूटपाट में आपके साथ नहीं है, तो फिर तुम्हें ये लूटपाट छोड़ देनी चाहिए और अपने कर्मों को संभालना चाहिए। अब वहां से गुजरते हुए उस विद्वान ने जब ये घटना देखी तो उसने अपने जीवन में भी प्रण कर लिया कि मैं कभी भी लूटपाट की कमाई या बुराई की कमाई पे विश्वास नहीं करूंगा। दिस इज द होल स्टोरी। मुझे एक अंगुलीमाल की स्टोरी याद आई, मैंने उसे अपनी कहानी में कोरिलेट कर दी, पर ये कहानी मेरे दिमाग में आते ही मुझे एक टाइटल देना होगा। तो ठीक है, मेरी कहानी जो बनी उसका टाइटल बना कि कर्म हमेशा अपने लिए किए जाते हैं, दूसरों के लिए नहीं, या बुरे कर्म का फल हमें ही भोगना पड़ता है। ये मेरा शीर्षक हो गया, टाइटल हो गया। मैं कहानी शुरू करूंगी ये लिख के, उसके बाद जो भी कहानी लिख दूंगी,
कहानी शुड बी शॉर्ट, ब्रीफ, टू द पॉइंट. क्लियर माय पॉइंट बेटा? एम आई क्लियर टू यू ऑल? मतलब टाइटल के बिना, शीर्षक के बिना कहानी हमारी पूरी नहीं होगी. ये कहानियां लघु कथा बच्चे, चाहे आप किसी पंचतंत्र कहानी की कहानी सुनी हो आपने, चाहे कोई आपने कार्टून फिल्म देखी हो, चाहे आपने कोई वैसे कहानी सुनी हो, दीज स्टोरीज विल हेल्प यू. ठीक है, अब देखिए लघु कथा के दो तीन पॉइंट हैं जो आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी पे. लघु कथा मेन हेडिंग लिख के दो तीन पॉइंट्स हैं जिसे आप नोट कर सकते हो बच्चे. लिखेंगे बोलो. इफ यू वॉन्ट टू राइट इन इंग्लिश ना, इट कैन बी राइट डाउन. इट शुड बी शॉर्ट एंड ब्रीफ. इट शुड बी शॉर्ट एंड ब्रीफ. छोटी होनी चाहिए, कम शब्दों में होनी चाहिए. ठीक है, एक पहली क्वालिटी हो गई. दूसरी, सरल भाषा में होनी चाहिए. नंबर टू, सरल भाषा में कहानी होनी चाहिए. नंबर थ्री, शीर्षक लिख के कहानी शुरू करेंगे. शीर्षक लिख कर कहानी का प्रारंभ किया जाएगा. शीर्षक लिख कर कहानी का प्रारंभ किया जाएगा. नंबर फोर, पात्रों को कम से कम रखना होगा. मतलब पात्र मीन्स कैरेक्टर्स. स्टोरी में कैरेक्टर्स बहुत देर नहीं कि हम ही उस उलझन में पड़ जाएं कि हमने किसके बारे में बात की थी, क्या बात की थी. जैसे मैंने अभी आपको स्टोरी सुनाई, एक विद्वान जंगल में जा रहा था, दो पात्र मैंने और उठाए, एक डाकू और एक साधु. ठीक है, तीसरा विद्वान जो कि देख रहा है सब कुछ. कहानी पूरी हो गई. ओके, बस मुझे लगता है इतने पॉइंट्स बहुत हैं आपके लिए. इन चीजों को याद रखेंगे तो यू कैन फ्रेम वन स्टोरी. ठीक है बच्चे, क्लियर? ओके, अब कहानी दे रही हूँ, शॉर्ट स्टोरी आपको, लघु कथा. हाँ सक्षम, कुछ पूछना है बेटा? हाँ जी सक्षम, आपने अपने आप को अनम्यूट किया है, क्या पूछना है बच्चे? You are not able to ask the question, bache. Saksham, what do you want to ask, bache? चलिए छोड़िए. अब मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी सपोज दे रही हूं. समझ लीजिए आज का होमवर्क है ये आपका. आज का काम है, 5 मिनट 10 मिनट लगेंगे बस, इससे ज्यादा नहीं. अगर इस पीरियड के बाद, लास्ट पीरियड है, इस पीरियड के बाद आप साथ ही कर देंगे तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा. आपका कहानी लेखन है, लघु कथा लेखन है, कोरोना से डरो ना. कोरोना को रो ना, से डरो ना. अब ये कहानी लिखनी है आपने, लघु कथा लिखनी है आपने. लघु कथा क्या करेंगे दक्षिता, क्या याद में आएगा, क्या दिमाग में आएगा? मैम हम ऐसे लिख सकते हैं कि मेरे किसी रिलेटिव को, जैसे वो कोरोना की महामारी से गुजर रहे थे, तो वैसे वो मतलब वो उसमें आके वो डर रहे थे, बट एंड में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो ठीक हो जाते हैं, सब पहले जैसा हो जाता है. और ये मतलब इसको सेटिस्फाई करता है कि कोरोना से डरो ना, ऐसे मतलब कोई भी नीचे हम शिक्षा दे सकते हैं
शिक्षा इसका पहले ही टाइटल दिया हुआ है, तो हम शिक्षा देंगे कि कोई भी भयानक स्थिति हो, अगर हम सूझबूझ से उसका निवारण करें तो हो सकता है। ठीक है, किसी भी संकट वाली स्थिति का सूझबूझ से निवारण हो सकता है। ओके डन जी, आज लिख लेंगे ये कहानी, कोरोना से डरो ना। ठीक है, लघु कथा है, छोटी सी कहानी लिखेंगे आप। ओके नाउ आई एम मूविंग टू योर लेसन, एंड लेसन इज मनुष्यता। ओपन योर स्पर्श बेटा, स्पर्श बुक खोलिए अपनी, और इसमें से मनुष्यता कविता निकालिए। ओनली एंड ओनली 14 ज्वाइंट माई क्लास, दैट इज दक्षिता, हिमानी, जैसिका, पलक, परमवीर, रोहानी, निष्ठा, सिमन, वरिंदा, तेजवीर, रूहानी शर्मा, सक्षम डी सेक्शन का, आर्ची सक्षम बी सेक्शन का, बाकी कोई भी नहीं है, है ना। अब देख लो सिर्फ 14 बच्चे हैं, ओनली एंड ओनली 14, और बाकियों का क्या बनेगा मुझे नहीं समझ आती। इनफॉर्म अदर्स, निष्ठा मेक वन मैसेज, सेंड वन मैसेज इन द ग्रुप विच। चलिए मनुष्यता कविता, दैट इज ऑन पेज 20। हाँ जी 20 ऑफ योर बुक, 20 ऑफ योर बुक मनुष्यता। अब मनुष्यता कविता तो बहुत कुछ सिखाती है बेटा, है ना, जो हम धर्मों के प्रति लड़ते रहते हैं ना, मैं सिख धर्म का, मैं हिंदू धर्म की, वो मुस्लिम, हम देखते हैं राजनीति में बेटे रोज झगड़े होते हैं सिर्फ धर्म को लेके। हमारे मुसलमान धर्म में ये कहा गया, इस क्रिश्चियन धर्म ने ये कह दिया, इस सिख धर्म ने ये कर दिया। आपको याद है हमने 9th में एक लेसन में पढ़ा था धर्म की आड़ में, याद है ना, उस लेसन में हमने क्या पढ़ा था, एक ही बीच में से सार पढ़ा था कि सबसे बड़ा धर्म जो है ना मनुष्यता का धर्म है। आजकल की जो जनरेशन है, आप जैसे बच्चे, विद्वान बच्चे, आप जैसे युवा वर्ग किसी भी धर्म को नहीं मानेंगे, वो कहेंगे सच्चाई के रास्ते पे चलो, अच्छा काम करो तो आप धार्मिक है। बस सारे दिन में आपने किसी को दुख नहीं पहुंचाया, मींस आप धार्मिक हैं, आपको किसी और धर्म की आवश्यकता नहीं, आपने किसी के दिल को नहीं दुखाया, आप धार्मिक हैं, चाहे आपने भगवान के आगे हाथ जोड़े या नहीं जोड़े, जोड़ने तो जरूर चाहिए, पर धर्म है सदाचार और शुद्ध आचरण। गांधी जी का धर्म है, पूरा लेसन ही याद करवा रही हूँ आपको धर्म की आड़ में, उसमें कहा गया था गांधी जी किस धर्म को मानते थे, शुद्धाचार और शुद्धाचरण, शुद्धाचरण और शुद्ध विचार। ठीक है, तो इसमें भी मनुष्यता, जब धर्म ही मनुष्यता, एक अलग धर्म है ह्यूमैनिटी, मनुष्यता सभी धर्मों से ऊपर, अगर हम मनुष्य को मनुष्य माने तो इसका मतलब हम धार्मिक हैं। किसी का दुख हमें लगता है ना, हमारा दुख है तो हम धार्मिक हैं। ठीक है, दूसरे के आंसू देखकर हमारे आंसू निकल आते हैं, हम धार्मिक हैं। किसी को संकट में देखकर हम बाजू पकड़ के उसके संकट से उसको बाहर निकाल लाते हैं, हम धार्मिक हैं। सिर्फ धर्म का पालन करना धार्मिक नहीं है। वो कहता है भगवान के चरणों में जाना चाहते हो ना तो अपने आप को प्योर बना लो, उठो तथा बढ़ो सभी, अपंक हो चढ़ो सभी, अपंक बिना कीचड़ के यार बुराई मत लाओ अपने आप। इफ यू आर गुड एनफ इन योर नेचर ना तो यू आर धार्मिक। और सबसे बड़ा धर्म है मनुष्यता का धर्म, सबसे बड़ा धर्म है मनुष्यता का धर्म। तो मैंने इस लेसन में जब करवाया था, चलो मैं छोड़ रही हूं क्या करवाया था, आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, वेरी वेरी बिगनिंग आई एम गोइंग टू स्टार्ट। ओपन योर बुक्स इन फ्रंट ऑफ यू बेटा, पाठ प्रवेश 20 पेज से भी पीछे आ जाओ, अरे किसी एक आधे का तो वीडियो ऑन होना चाहिए ना कि मुझे लगे फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट, मैम फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट रिपीट कर दो। बेटा लघु कथा का तो पॉइंट मुझे अब याद भी नहीं है मैंने क्या बोला था, आस्क फ्रॉम एनीवन एल्स इन द क्लास। ओके किसी और से पूछ लेना अभी,
बाद में अपने ग्रुप में मैसेज करके चैट करके पूछ लेना, अभी हम जो कविता कर रहे हैं ना उस पे आते हैं, ठीक है। तो मनुष्यता में पेज नंबर जो हमारा 20 है उससे भी एक पेज पीछे 19 कर लो, उस पेज पे देखो सेकंड पैराग्राफ। प्रस्तुत पाठ का कवि अपनों के लिए जीने मरने वाले को मनुष्य तो मानता है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं कि ऐसे मनुष्य में मनुष्यता के पूरे पूरे लक्षण है। आपको पता है ना, अपने लिए खाना, अपने लिए पीना, अपने लिए बनाना, ये काम तो पशु को भी आता है, ये काम तो पशु को भी आता है ना। हमारे इंसान होने का फायदा तभी है जब हम दूसरे को खिला के खाएं, दूसरे को पहना के पहने, दूसरे को सुख दे के सुखी रहें, तभी फायदा है, ठीक है जी। तो इस पृथ्वी पे हमारा जन्म सफल तभी होगा अगर हम किसी को याद रह जाएं मरने के बाद, और याद तो तभी रहेंगे अगर कुछ अच्छा करेंगे तो, अच्छा नहीं करेंगे तो हम याद रहने वाले नहीं है। जैसे बाकी कीड़े मकोड़े जान दे देते हैं, वैसे ही हमारी भी जान चली जाएगी और हमें कोई याद भी नहीं करेगा। कोई याद करेगा 2 दिन 4 दिन 6 दिन, लेकिन ज्यादा देर हमें याद नहीं करेगा। ओके, तो कम टू द पोएम। विचार लो कि मरते हो ना मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। हुई ना यूं सुमृत्यु वृथा, ये वृथा मरे, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। विचार लो, सोचो, दिमाग लगाओ कि मरने वाले हो, कि मरते हो, मरने वाले हो, अमर नहीं होने, मरना एक दिन सब में, जो आया है वो जाएगा। न मृत्यु से डरो कभी, जब मरना ही है तो फिर मौत से डरना क्यों। मरो परंतु यूं मरो, पर मरना हमारा ऐसा मरना होना चाहिए कि दुनिया में याद रखे। मदर टेरेसा की तरह मरना मरना है, महात्मा बुद्ध की तरह मरना मरना है, लोग याद रखे हुए हैं आज भी, वो लोग किताबों में अमर है। बाबा आमटे की तरह मरना मरना है, जिन्होंने कुछ रोगियों के लिए कुछ काम किया। जिस जिस व्यक्ति ने कुछ काम किया वो व्यक्ति अमर हो गया, ठीक है। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। हुई ना यूं सुमृत्यु, इस तरह की अच्छी मृत्यु अगर नहीं हुई ना तो जीना भी व्यर्थ और मरना भी व्यर्थ, ठीक है। सुमृत्यु वर्ड पकड़ो, सुमृत्यु, कवि ने मृत्यु को सुमृत्यु क्यों कहा है, क्योंकि असली मृत्यु वही है जो दूसरों के लिए कुछ करता हुआ व्यक्ति मरे और बाद में उसे याद रखा जाए, इसलिए कवि ने मृत्यु को सुमृत्यु कहा। हुई ना यूं सुमृत्यु, अगर इस तरह अच्छी मौत नहीं ना मरे तो वृथा मरे, वृथा जी, वृथा मीन्स फालतू, वृथा मीन्स फालतू, तो जीना भी फालतू मरना भी फालतू। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए तो फिर कोई जीवित रहता है। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, उसका मरना फजूल है जो आपके लिए जिंदा नहीं रहा, आपके लिए मतलब दूसरों के लिए, उसका मरना भी फजूल है जो दूसरों के लिए जिंदा नहीं रहता। वही पशु प्रवृत्ति है, ये तो जानवरों वाली करतूत है। कौन सी करतूत? जानवरों वाली करतूत है बेटे। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, जानवरों वाली बात है, बस खाया पिया सो गए, आप ही चरे, बस अपना खाना खाना है, ये जानवरों वाली करतूत है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए, बंदा वही है, मनुष्य वही है जो किसी दूसरे मनुष्य के लिए अपनी जान देता है, ठीक है। अब भगत सिंह को हम याद करते हैं बेटे, क्यों याद करते हैं भगत सिंह को? जवानी में जान दे दी, अपनी माँ की नहीं सोची, अपने बाप की नहीं सोची, किसकी सोची? देश की सोची, कि मुझे देश के लिए कुछ करना है। तो उसको आज भी हम याद रखे हुए हैं, 23 मार्च हमें नहीं भूलता, उसका शहीदी दिन, उसका जन्मदिन हमें याद नहीं है, लेकिन शहीदी दिन याद है उसका। क्यों? क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया देश के। सुमृत्यु मरा वो, हुई ना यूं सुमृत्यु वृथा, जिए वृथा मरे, जिया नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए।
वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। पशु प्रवृत्ति क्या है? प्रवृत्ति मीन्स नेचर। पशुओं की नेचर क्या होती है? बस अपना खाना है, ठीक है। कभी आपने देखा है, मैंने आप भी आगे भी आपको एग्जांपल दिया था, कुत्ता है, कुत्ते के 5 पिल्ले पीछे जा रहे हैं उसके, आपने खाना डाला, कुत्ता ऐसा करेगा कि पहले अपने बच्चों को कहे खा ले फिर खुद खाएगा? नो एंड नेवर। पहले खुद खाएगा, बच्चे खाएं या ना खाएं भूखे रह जाएं। लेकिन आपके साथ क्या होता है, पहले मम्मी आपको खिलाती है, फिर किसी और को, फिर खुद तो लास्ट में सोचती है, और बाद में भी अगर चीज ना बचे तो मम्मी कहते मैं तो खानी नहीं थी, मैंने भूखी नहीं थी। क्योंकि मनुष्य है ना, सोच सकती है कि पहले मेरे बच्चे फिर मैं। पशु प्रवृत्ति होती है किसी के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ अपना सोचना। जब हम सोच सकते हैं तो हम क्यों नहीं गरीबों का, किसी असहाय का सहायता करें? वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए, मेरे वास्तविक मनुष्य वही है जो किसी मनुष्य के लिए काम करता हुआ मरता है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखान थी। अब ये उसी उदार क्या है? उसी उदार, सारे पैराग्राफ्स में देखिए, सारे पैराग्राफ में 4 बार उसी उदार आया है, 4 लाइनों में उसी उदार आया। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार की जरा कृतार्थ मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, तथा उसी उदार की को समस्त सृष्टि पूजती। उसी उदार, उसी उदार, उसी उदार। अब उदार वर्ड क्या है? बड़े दिल वाला। उदार बड़े दिल वाला। उदार का ऑपोजिट होता है कृपण। क के नीचे री, प, ण, कृपण। कृपण होता कंजूस। उदार तो बड़े दिल वाला, कोई गल नहीं ले लो तुसी। उदार, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। बेटा ऐसे उदार व्यक्ति जो दूसरों के लिए काम करता है, लिख लो यहां पे, उदार मीन्स दूसरों के लिए काम करने वाला व्यक्ति। उदार मीन्स दूसरों के लिए काम करने वाला व्यक्ति, ठीक है। अब दूसरों के लिए जो काम करता है उसकी कहानी दुनिया में याद रखी जाती है। सरस्वती बखानती। सरस्वती क्या है? विद्या की देवी, यानी उसका नाम किताबों में दर्ज हो जाता है। जो दूसरों की सहायता करता है उसका नाम बुक्स में, किताबों में दर्ज हो जाता है, वह अमर हो जाता है। उसी उदार को धरा कृतार्थ भाव मानती। ये पृथ्वी उसकी धन्यवादी है, किसकी? जो दूसरों की सहायता करता है। उसी उदार का मतलब आ गया ना, में जो दूसरों की सहायता करता है, तो उसके साथ सारी व्याख्या हो जाएगी। ये धरती भी कृतार्थ भाव मानती है, मतलब अपने आप को धन्य मानती है कि तुम्हारे जैसा लाल मेरे ऊपर पैदा हुआ। वी आर वेरी प्राउड टू हैव मदर टेरेसा, वी आर वेरी प्राउड टू हैव महात्मा बुद्ध, वी आर प्राउड टू हैव महात्मा गांधी, यानी जिन्होंने इस देश के लिए कुछ किया, हमारी धरती के लिए कुछ किया, हम उन पे हमेशा प्राउड करते हैं, ठीक है। धन्यवाद भी, धरती भी धन्यवाद देती है कि मेरे ऊपर तूने जन्म लिया। भारत माता कितनी खुश होती होगी कि भगत सिंह जैसा बेटा मेरी गोद में पैदा हुआ, ठीक है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति। उसी उदार कौन सा उदार? जो दूसरों के लिए कुछ करता है उसकी कीर्ति होती है। कीर्ति मीन्स पब्लिसिटी, राइट इन इंग्लिश। कीर्ति मीन्स पब्लिसिटी। हम कीर्ति को कीर्ति लिख लेंगे, लेकिन हमारे यहां तो समझ होनी चाहिए ना, व्हाट डू यू मीन बाय कीर्ति? पब्लिसिटी, मशहूरी। दुनिया उसे याद रखती है जो दूसरों के लिए काम करता है। उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। सारी दुनिया उसको सलूट करती है जो दूसरों के लिए कुछ काम करता है। सारी दुनिया उसको पूजती है जो दूसरों के लिए कार्य करता है, ठीक है। चारों लाइनें क्लियर हो गई? दक्षिता क्लियर है बच्चे? ओके। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे। अखंड आत्मभाव, कभी ना टूटने वाला मेल जोल,
आत्मभाव हम सब एक हैं, कभी ना टूटने वाला मेल जोल का भाव अगर पूरी दुनिया को सिखाया जाए तो वही मनुष्य है जो ऐसा सिखाता है और दूसरे के लिए कार्य करता है। टू पैराग्राफ्स अंडरस्टूड। क्वेश्चन कौन कौन से बनाए मैंने, क्वेश्चन कौन कौन से बनाए, एक साइड पे आप क्वेश्चन लिख सकते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन बनाया। एक क्वेश्चन मैंने बनाया मृत्यु को सुमृत्यु क्यों कहा है, ऊपर आप क्वेश्चन लिख सकते हैं कि मृत्यु को सुमृत्यु क्यों कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन बनाया पशु प्रवृत्ति क्या है, पशु प्रवृत्ति क्या है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बनाया उसी उदार का क्या अर्थ है, उसी उदार का क्या अर्थ है। अब छोटे छोटे क्वेश्चन तो बहुत से बन जाएंगे, बड़े क्वेश्चन यही तीन बनाए मैंने, छोटे क्वेश्चन तो हर लाइन में बन जाएंगे। सरस्वती किसका बखान करती है, कृतार्थवा धरती कृतार्थवा किसका मानती है, कीर्ति किसकी गूंजती है और समस्त सृष्टि किसको पूजती है। तीनों का आंसर है उसी उदार। अब हमें उसी उदार का मतलब तो पता होना चाहिए ना, उसी उदार कौन सा उदार भाई, डन विथ जो दूसरों के लिए कुछ करता है। हाँ क्लियर हो गया ना, सबको क्लियर है, क्लियर है ना बेटा, क्लियर क्लियर क्लियर। काफी पार्टिसिपेंट्स और आ गए हैं तो मुझे लगता है कि प्रथम, वेरी गुड प्रथम, थैंक यू प्रथम, प्रथम आपका बहुत बहुत शुक्रिया बच्चे। नंदनी है, नंदनी नो सिमन निष्ठा ओके। चलिए हमारा कार्तिक नहीं है, फिर कहेगा वो क्या नाम है उसका, राघव नहीं है, है ना, नंदनी नहीं है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ। हाउ मच टाइम है अभी, लास्ट पीरियड है, वी कैन टेक 5 मिनट्स मोर। शुद्धार्थ रति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दमीजी ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी, पूछी नर क्षितिश ने सोदमा सदान भी किया, सहस वीर करण ने शरीर चरम भी किया। चार लाइनों में वो लिखता है सब कुछ। फॉर एग्जाम्पल ही हैज गिवन, एक एग्जाम्पल दिया उसने रतिदेव का, दूसरी लाइन में दगीची का, अंडरलाइन कर लो जिगजैग अंडरलाइन। पहले उसने एग्जाम्पल दिया रतिदेव का, फिर उसने दिया दगीची का, तीसरा एग्जाम्पल दिया है उसने क्षितिश का, और चौथा दिया है करण का। अब ये चारों व्यक्ति हमें पता होने चाहिए ये कौन है। रति देव एक बार बहुत भूखा था, शुद्धार्थ वर्ड है शुदा से व्याकुल, शुदा मीन्स भूख, भूखा था बहुत। रति देव राजा है, बहुत भूखा था। जैसे ही उसने थाली पकड़ी ना, ऐसे ही कोई मांगने वाला आ गया। सोचो इंसान बहुत भूखा हो और उससे उसी समय उसका खाना कोई मांग के ले जाए, दे दिया हाथ का खाना, कोई बात नहीं तू ले जा, ये है दूसरे के लिए कार्य करना, ठीक है। फिर दगीची, ऋषि दगीची के बारे में सुना होगा आपने, ऋषि दगीची ने देवताओं के लिए अपनी हड्डियों का दे दिया दान, यानी अपने श्वास। पहले ऋषि मुनियों के पास ये ताकत हुआ करती थी कि अपने श्वास ऊपर चढ़ा लेते थे, यानी मृतक घोषित हो जाते थे, चेतना में होते थे लेकिन शरीर से नहीं होते थे। उन्होंने अपना शरीर दे दिया क्योंकि राक्षसों के साथ जब देवताओं का युद्ध हो रहा था बेटा, तो उस समय समाधान निकला कि आप राक्षसों को तभी हरा सकोगे अगर देवताओं को किसी मनुष्य की हड्डियां मिल जाए, उनकी हड्डियों से अस्त्र बनाओ तब देवता हारेंगे। अब कौन आदमी अपनी हड्डियां देगा भाई, खुद जानबूझ के दगीची ने ऐसा किया, अपनी हड्डियां दान में देवताओं को दे दी कि आप राक्षसों का वध करो, ठीक है। उषी नर क्षितिश ने स्वमास दान भी दिया, क्षितिश नाम के राजा ने, एक बार क्या हुआ, एक कबूतर घायल होकर उसके पास आके गिरा, उसने कबूतर को उठा लिया और उसकी मल्लम पट्टी शुरू कर दी। शिकारी आया और कबूतर को मांगने लगा कि ये कबूतर तो मैंने घायल किया है, मुझे ये कबूतर चाहिए, मुझे कबूतर दो। वो कहता, राजा कहता, नहीं मैं तो नहीं दूंगा, मैं तो मनुष्यता के रास्ते इस कबूतर को बचाऊंगा।
वो कहता है मैंने तो शिकार किया था भाई, मेरा तो काम है खाना, मुझे तो मांस चाहिए इस कबूतर के वेट का, मुझे मांस चाहिए, मुझे आप अपना मांस दे दो। तो फिर इस समय बेटा क्षितिश ने क्या किया था, अपनी थाई का मांस, अपनी जंगा का मांस, अपनी टांग का मांस कबूतर के साइज का निकाल के दे दिया था। कौन किसी के लिए इतना करता है? और करण के बारे में तो महाभारत में आप सभी जानते हैं कि करण से छल में इंद्र देवता ने, करण ने एक शपथ ली हुई थी कि जब भी मॉर्निंग में मैं नहा के नदी से आऊंगा तो मेरे से कोई भी व्यक्ति जो चीज मांगेगा मुझे देनी होगी, दानवीर करण कहा जाता है उसे। तो बेटा इंद्र देवता भेष बदल के नदी के किनारे पहुंच गए और उन्होंने करण से उसके कवच और कुंडल, कुंडल होता है कानों में जो मांस के लोथड़े थे उनके जन्म से प्राप्त थे, उन्हें एक कवच प्राप्त था शरीर पे और एक कुंडल प्राप्त थे उन्हें जन्म से, यानी अजय थे, उन्हें कोई मार नहीं सकता था, कवच पहना हुआ था बॉडी पे और कुंडल जो थे उसके लकी होने का वो थे प्रावधान थे। लेकिन नहीं, इंद्रदेव वो भी मांग के ले गया और उन्होंने दे दिया क्योंकि दृढ़ संकल्प किया हुआ था कि मुझे देना है, दे दिया। सहर्ष वीर करण ने शरीर चर्म भी दिया, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, अरे ये देह शरीर, देह मीन्स शरीर, ये अनित्य है, हमेशा नहीं रहना, मर जाना है हमने। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, अरे इस शरीर ने वैसे भी जाना ही है, फिर इसके लिए क्यों डरना। ठीक है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वास्तविक मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य की मदद करता हुआ अपनी जान देता है। मैं यही रोक रही हूं, इन तीन पैराग्राफ्स को आप कल अच्छे तरह से पढ़ के आएंगे, इसे आप अपना क्लास टेस्ट समझ लेंगे क्लास में कल। ठीक है, मैं इन तीनों पैराग्राफ्स में से पहले क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, फिर उसके बाद में अगला पैराग्राफ शुरू करूंगी। डू आई मेक माई सेल्फ क्लियर बेटा? क्लियर ना? ठीक है, आपने एक आज लघु कथा लिखनी है और दूसरा आपने इन तीन पैराग्राफ्स की अच्छे से रीडिंग करनी है। कल मैं पहले इनमें से छोटे छोटे प्रश्न पूछूंगी, फिर उसके बाद में आगे शुरू करूंगी। टिल देन, ओके, गुड बाय, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।